हेलो एवरीवन, इट इज ए इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, इसमें हम आपको बताएंगे कि हम और जो वीडियो अपलोड करेंगे वो किस टाइप से अपलोड करेंगे और क्या क्या उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मेनली हमने उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम ऑफ डीयू, एंड सेकेंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम आईएएस आईपीएस, एंड थर्ड नेट एनबीएचएम टीआईएफआर, ओके, एंड जेएम एग्जाम। ठीक है, मेनली हम इन तीन पार्ट्स में वीडियोस को अपलोड करेंगे। फर्स्ट है कि डीयू, फर्स्ट फोकस हमारा रहेगा एमएससी डीयू एंट्रेंस का। ठीक है, क्योंकि ये अभी जिन लोगों की ग्रेजुएशन होने वाली है उनके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम है, तो मेनली उनके लिए होगा। सेकंड हम इस पे फोकस करेंगे, थर्ड इस पे। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा कि हर हफ्ते हम एवरी वीक तीन टॉपिक्स पे वीडियो बनाए। ओके, थ्री सब्जेक्ट्स पे, थ्री सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे साइमल्टेनियसली एवरी वीक। तीनों सब्जेक्ट पे एक एक दो दो वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी हर वीक के लिए, जो आप दे सकते हैं। इट विल बी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, उनके लिए ये सब होगा। इसमें हमने आपको और भी कई चीजें हैं, जैसे कि आपको डीयू में एंट्रेंस चाहिए अगर, तो उसके लिए मेनली आपको गुड रैंक भी चाहिए, ताकि आपको हॉस्टल मिल जाए, अकोमोडेशन वगैरह मिल जाए। अगर आप टॉप रैंक्स में आते हो तो आपको हॉस्टल मिलेगा डीयू में, अदरवाइज आप बाहर बहुत ज्यादा रेंट है तो आपको इशू हो सकता है। ठीक है, और कॉलेज अच्छा है अगर, जैसे हंसराज हिंदू स्टीफेंस कॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आपको रैंक अच्छी चाहिए। तो फिलहाल आप, हम मेनली इसी पे फोकस करेंगे, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम पे। कुछ कॉमन सिलेबस है इन तीनों में जो कवर करवाते चलेंगे, साथ साथ जो सिलेबस बच जाएगा उसको बाद में करेंगे, जो इन दो ऑप्शंस में है। अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है। ये एमएससी डीयू एंट्रेंस का सिलेबस है। ठीक है, इसमें देखो अलग अलग ये ऑप्शन, ग्रुप ग्रुप डोमिनेटिंग, ये एलजेब्रा का है, मॉडर्न एलजेब्रा है ना ये, तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग में इस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, लीनियर एलजेब्रा का कुछ पोर्शन करेंगे एंड रियल एनालिसिस का, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट तो आप लोग कर लेते हो, ये थ्योरेटिकल थ्योरी जो प्योर मैथमेटिक्स है, इसको करने में आप लोगों को इश्यू आते हैं, तो पहले ये करेंगे। ठीक है, ये ओडी पीडी है, ये ओडी है, ये पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन लोग इसको मेनली कर लेंगे, जल्दी कवर कर लेंगे वीडियोस में। ठीक है, ये पोर्शन काफी इजी है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड एक बार अगर आपने कर लिया तो फिर ज्यादा कोई इशू नहीं आता, ये इजी पार्ट है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आप लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसको करने में। मेन पोर्शन है हमारा ये रियल एनालिसिस, सेट थ्योरी, काउंटेबल सेट्स, जिसका हर पेपर में यूज होता है नॉर्मली, एनालिसिस पार्ट। तो इसमें काफी लोगों को इश्यूज रहते हैं कि थ्योरेटिकल एप्साइलन कहाँ से आ गया, ये फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, बिलोंग्स टू सबसेट, प्रॉपर सेट, इन सब में इश्यू रहते हैं सबको। और बहुत से क्वेश्चन तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन अगर आपको आती है तो उसमें भी कम कर सकते हो आप इजीली। आप लिमिट की डायरेक्ट डेफिनेशन लगाओगे तो लिमिट के क्वेश्चंस काफी हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएबिलिटी की, इन थ्योरम्स, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो टेलर सीरीज है उसमें आपको कई हैं उनके वो याद रखने पड़ेंगे, एक्सपेंशन वो हम आपको बता देंगे इजीली। इनके जैसे इनके लिए आपको बुक्स, रेफरेंस बुक्स भी बता दी जाएंगी और नोट्स भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके डाउट्स वीकली आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे,
जैसे आप डाउट्स आते जाएंगे आप हमें मेल कर सकते हैं, फिर उनको एक दिन एक वीडियो में सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मेल के लिए, कि आपको मेल कहाँ करनी है। मेनली वो मैथमेनिया स्पॉट पे है, मैथमेनिया कॉन्टेक्ट है gmail.com। नेक्स्ट है हमारा मेट्रिक स्पेसेस, कंप्लीटनेस। ये टॉपिक, इस पे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें मेनली हम डेफिनेशंस वगैरह कर लेंगे। ये डेफिनेशन, अगर आपको कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन आती है, कनेक्टेडनेस की, तो ये टॉपिक उसी में कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2-3 वीडियोज में ही कवर हो जाएगा आपका। फिर आगे आइगन वैल्यूज आएंगे, ये काफी इजी है। मैट्रिसेस की बुक आती है, उसमें से आप कर लेंगे, ये मैट्रिसेस टॉपिक्स में आता है, ये काफी इजी है। आपको अभी आपने ग्रेजुएशन में भी किया होगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इनके आपके थोड़े ऑप्शंस का पेपर आता है ना, ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे, जिससे आप इजीली एक आधे क्वेश्चन कर सको। सबकी तो नहीं होती, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन पार्ट तो आप जल्दी कर सकते हो। ग्रुप, सब ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप, होमोमोर्फिज्म, ये आपको कंप्लीट डिटेल में करवाई जाएंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाते आप लोग। काफी बच्चे को एलजेब्रा में दिक्कत आती है कि आइसोमोर्फिज्म, टू ग्रुप्स आइसोमोर्फिज्म कैसे होंगे, साइक्लिक हैं तो नॉन साइक्लिक हैं तो कैसे, ठीक है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको इजी मेथड से करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, वेक्टर स्पेसेस, सब सब स्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस डायमेंशन एलजेब्रा। ये क्या है लीनियर एलजेब्रा? लीनियर एलजेब्रा और ये मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। स्टार्टिंग में हम इन तीन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ओडी पीडी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग कर लेते हो क्वेश्चन सुन के, बस उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस करने की, आप लोग प्रैक्टिस कम करते हो तो इसलिए इशू आता है, अदरवाइज इसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी, इसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा, ठीक है, कंप्लीट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आते हैं इस पे क्वेश्चन। लास्ट है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट। इसमें आपको एक बार अगर आपको मेथड आ गया तो आपको इजीली, इसमें कैलकुलेशन होती है मेनली, आपको इजीली हो जाएगा आपका। जैसे गॉस सीडल है, गॉस एलिमिनेशन, नॉर्मल सिमिलर सी मेथड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें, फाइनाइट डिफरेंसेस में आपने एक बार फॉर्मूले याद करने हैं बस। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, इसमें एरर फाइंडिंग है, ये सब आपको बता देंगे। ये सब एक बार आप कर लोगे ना इस टॉपिक को, तो हो जाएगा एक बार आप करने से, फिर बाद में तो बस आपको थोड़ा बहुत ही देखना है, ज्यादा नहीं, ये हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हो गया डीयू का एंट्रेंस का एग्जाम, उसके बाद ये डीयू एमएससी में हो गया, लेकिन इनमें, इसमें मेनली यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का भी कवर हो जाता है, ऑप्शनल पेपर जिनका मैथ्स है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा टफ नहीं आता, इजी सा आता है, तो उसमें कुछ पोर्शन रह जाता है, फ्लूड मैकेनिक्स वगैरह, फ्लूड मैकेनिक और एक दो टॉपिक और हैं, तो वो सब रह जाते हैं, तो उनको जैसे डबल ट्रिपल इंटीग्रल, उन सब के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। पहले ये कवर करेंगे हम, डीयू एंट्रेंस को कवर करेंगे, बाद में उसको कवर करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या था, आईआईटी जैम। आईआईटी जैम का रिसेंटली एग्जाम हुआ था, अभी तो उसके एग्जाम के होने में टाइम है, तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, पूरा 1 ईयर है उसके लिए, तो उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो हमारे इन दो में कवर हो जाएंगे, बाकी इसके बच जाएंगे जो उसको बाद में करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे आपको, ठीक है। अब हर एक पेपर का एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्या होती है वो, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करने बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि क्या पैटर्न आ रहा है पेपर का,
कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कितना है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, किसको कम पढ़ने से भी काम चल जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे प्रैक्टिस कीजिए, सोल्व नहीं होते हैं, हमें डाउट भेजिए, हम सोल्व करके आपको उसको प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन। नहीं समझ में आता तो भी हमें बताइए, हम आपको समझाएंगे, पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। आप अपने डाउट्स भेज दीजिए, वीक टू वीक हम उसको डिस्कस करेंगे। आप कॉन्टेक्ट mathamania@gmail.com पे, ठीक है, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी लिंक में, सब डिटेल्स, ठीक है। एंड अगर प्रीवियस ईयर पेपर से आपको नहीं मिलते हैं तो वेबसाइट से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, हम वेबसाइट पर उनको अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, उनकी कीज के साथ। सॉल्यूशन आपको ट्राई करिए, अगर आपके सॉल्यूशन नहीं होते तो हमें बताइए, ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ये कोर्स MSCDU एंट्रेंस का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपको नहीं करना तो अगर आपके लिंक में कोई है जिसको करना हो ये कोर्स, आप उसको बता दीजिए, एटलीस्ट किसी का तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, को पूरा MSc का कोर्स करवाया जाएगा, एंट्रेंस का, DU का। अगर आप टू गेट नोटिफाइड, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।